फिल्मों की बात होती है तो सबसे पहला नाम बॉलीवुड का आता है। यहाँ दौलत भी है और शोहरत भी है। यही वजह है कि हर कोई बी टाउन का रुख कर लेता है। लेकिन बॉलीवुड के अलावा एक और इंडस्ट्री है जिसे भोजपुरी नाम से जाना जाता है। यहाँ काम करने वाली हीरोइनों को लाखों में सैलरी मिलती है। बता दें कि आजकल भोजपुर इंडस्ट्री की अभिनेत्रियाँ अपने बोल्ड अंदाज को लेकर खूब सुर्खियों में रहती हैं। वेल, आज ये भोजपुरी अभिनेत्रियाँ एक फिल्म के लिए काफी मोटी रकम वसूलती हैं। आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए कि भोजपुरी सिनेमा की कौन सी एक्ट्रेस कितनी फीस लेती है। नंबर वन, अक्षरा सिंह। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुकी अक्षरा सिंह इस इंडस्ट्री के खूबसूरत चेहरों में से एक हैं। एक्ट्रेस अक्षरा सिंह एक फिल्म के लिए लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए लेती हैं। वह एक्ट्रेस अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस के लिस्ट में भी शामिल हैं। ऐसा कोई नहीं होगा जो एक्ट्रेस की खूबसूरती का दीवाना ना हुआ हो। अक्षरा मूल रूप से बिहार की राजधानी पटना की रहने वाली हैं। उन्होंने कुछ टीवी शोज में काम किया है, लेकिन ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिलने के कारण साल 2011 में एक्ट्रेस ने भोजपुरी सिनेमा की ओर अपना रुख कर लिया। वह आजकल अक्षरा सिंह अपने बोल्ड फोटोशूट की वजह से भी सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं। नंबर दो, काजल राघवानी। पटना से पाकिस्तान जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस काजल राघवानी एक फिल्म के लिए लगभग 5 लाख से 6 लाख रुपए लेती हैं। काजल कई हिट फिल्मों जैसे हुकूमत, पंचायत, मेहंदी लगा के रखना, चीरहरण में काम कर चुकी हैं। बता दें कि एक्ट्रेस काजल राघवानी 16 साल की उम्र में ही एक्ट्रेस बन गई थी। काजल को 16 साल की उम्र में गुजराती फिल्म में काम करने का ऑफर मिला। अपनी पहली ही फिल्म से काजल को ऐसा नाम मिला कि एक के बाद एक 25 से ज्यादा गुजराती फिल्में एक्ट्रेस ने की। काजल ने साल 2013 में भोजपुरी फिल्म सबसे बड़ा मुजरिम से डेब्यू किया था। बता दें कि इंस्टाग्राम पर भी काजल की फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। उन्हें लगभग 1.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वह काजल अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियोस भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती रहती हैं। नंबर तीन, रानी चटर्जी। एक्ट्रेस रानी ने भोजपुरी सिनेमा में एक्टर मनोज तिवारी के साथ फिल्मों में डेब्यू किया था। फिल्मों में एक्टिंग करने के अलावा रानी का अपना यूट्यूब चैनल भी है। एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 5 लाख से लेकर 8 लाख रुपए लेती हैं। बता दें कि रानी चटर्जी मिस कोलकाता रह चुकी हैं और अब रानी चटर्जी भोजपुरी सिनेमा की एक मशहूर एक्ट्रेस है। रानी ने साल 2003 में मनोज तिवारी की सुपरहिट फिल्म से डेब्यू किया था। तो वहीं हाल ही में रानी ने वेब सीरीज मस्तराम से भी अपना डिजिटल डेब्यू किया है। नंबर चार, आम्रपाली दुबे। लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी हॉट एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे फीस के मामले में सबसे टॉप पर हैं। साल 2020 में आम्रपाली ने एक साथ 8 फिल्में साइन कर सुर्खियां बटोरी थी। इसके साथ ही वो इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेस में से भी एक बन चुकी हैं। उन्हें एक फिल्म के लिए करीब 7 से 9 लाख रुपए तक ऑफर किए जाते हैं। आपको बता दें कि आम्रपाली दुबे ने साल 2014 में भोजपुरी सिनेमा में डेब्यू किया था और आज उनके करोड़ों फैंस बन चुके हैं। नंबर पाँच, मोनालिसा। इस लिस्ट में नंबर पाँच पर नाम आता है भोजपुरी इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस में शुमार मोनालिसा का। बता दें कि मोनालिसा को लोग रियलिटी शो बिग बॉस से जानते हैं, लेकिन इससे पहले मोनालिसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत ही जाना पहचाना नाम बन चुकी हैं। भोजपुरी फिल्मों में मोनालिसा का डांस और उनकी बोल्डनेस के भी सभी दीवाने हैं। तो वहीं हिंदी टीवी इंडस्ट्री में भी स्टार प्लस की सीरियल नजर में मोनालिसा ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी। तो वहीं मोनालिसा भी अपने बिकनी फोटोज और अपनी बोल्ड फोटोशूट्स को लेकर अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। आपको बता दें कि बिग बॉस कंटेस्टेंट बनने के बाद सुर्खियों में आने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा की फीस भी कुछ कम नहीं है। एक्ट्रेस एक फिल्म को साइन करने के लिए करीब 5 लाख से 7 लाख रुपए लेते हैं। फिलहाल एक्ट्रेस अभी कलर्स टीवी के सीरियल में नजर आ रही हैं, जहां वो अपने किरदार से सभी का काफी ज्यादा मनोरंजन कर रही हैं। वेल दोस्तों, इन सभी में से आपको कौन सी भोजपुरी एक्ट्रेस का अंदाज सबसे ज्यादा पसंद आता है, आप हमें कमेंट करके उनका नाम जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।